everyone, welcome or welcome back to my channel. So today's video is going to be a really pop out video, and it's about the things I really love, and I also recommend you guys to buy this product. Of course it's safe for skin, and एक्चुअली इट्स नॉट, मतलब कि आपको अपना स्किन टाइप कि कैसा किस पे रिएक्ट करेगा ये समझना पड़ेगा, पहले तो वो इस्तेमाल करके देखना पड़ेगा एंड देन यू कैन डिसाइड. ऑल्सो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ, जैसे कि मैं करती हूँ, सो आई एम मोर कम्फर्टेबल इन दैट आई गेस. सो या विदाउट फर्दर मोर डिले लेट्स गेट इन टू द वीडियो. ओके सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. नाउ फॉर फाउंडेशंस, मैं पहले ही फाउंडेशन चूज़ करती हूँ. आई एम वेरी स्पेक्टेकुलर अबाउट चूजिंग माई फाउंडेशन, बीबी क्रीम, सीसी क्रीम, जो भी आप जनरली. सो मैं ज़्यादा हाई कवरेज भी नहीं खरीदती, ज़्यादा लो कवरेज भी नहीं खरीदती. आई वॉन्ट टू बी इन अ वेरी मीडियम कवरेज. सो आई विल प्रेफर बोथ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ माई दिस लैक्मे फाउंडेशन विच आई एब्सोल्युटली लव. Next is again my Lakme foundation, which is like a total love. Okay, now let's come into the information which we want to know and which we have to know. So first of all is this foundation which I use very 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 much, and I love this foundation. Sorry for that noise, like I don't know why, but my my colony is little chaos wala colony jisme hamesha chilamilli rehti hai, and I don't know why am I telling this way. Serious. So this is the Lakme's foundation which I absolutely love, because मेरी हर videos में आप यही ज़्यादा use करते हुए देखोगे शायद से, and I use this very less. तो ये जो Lakme का foundation है ये आता है सिर्फ 99 rupees में, and अभी शायद 10.5 हो गया है, I don't know. बट मैंने जब ख़रीदा था ये 10.5 ही था, एंड बट पहले जब आप ख़रीदते थे इसको ये होता था करीबन लाइक 99-95 रुपीज़ का, बहुत अफोर्डेबल पड़ता था. बट अभी सब चीज़ों की जैसे ये दाम बढ़ गई है, तो इसका भी दाम बढ़ना ही चाहिए ना, ये क्यों पीछे हटे. तो ये है लैक्मे का परफेक्टिंग लिक्विड फाउंडेशन. आई गेस लैक्मे ने यही फाउंडेशन सबसे पहले लॉन्च किया था लैक्मे के कंपनी की तरफ से, बिकॉज आई हैड सीन माय ग्रैंडमा, लाइक मेरी मम्मी की मम्मी, मेरी नानी बोलते हैं ना हिंदी में, हाँ, तो नानी को मैंने देखा था ये यूज़ करते हुए. तो मतलब मैं जब छोटी थी सब मुझे को बोलते थे कि ये वाला जो फाउंडेशन होता है ये आपको सर मतलब पानी के साथ यूज़ करना पड़ता है ना, बस लाइक. तो वो थे पुराने लोग, एंड पानी के साथ अगर आप यूज़ करते भी हो ना ये तो पतला हो जाता है, एंड इट्स स्प्रेस मोर वाइडली, सो यू कैन ऑलवेज यूज़ दिस विद रोज़ वाटर और नॉर्मल वाटर, वो जब यू लाइक. बट पानी के साथ ये बहुत अच्छे से सूट होता था. आई शपथ यू, मैंने बाल बांध ली, बहुत गर्मी लग रही थी इसीलिए. सो द नेक्स्ट दिस इज़ द लैक्मेज इनविजिबल फाउंडेशन. ये सच में इनविजिबल है, लाइक अगर आप लगाते हो तो लगता ही नहीं कि यहाँ पे कोई फाउंडेशन है. इट गिव्स यू अ डैम गुड कवरेज, लाइक डैम गुड कवरेज. आपकी जो फ्रैकल्स है या फिर आपके यहाँ पे स्पॉट्स है तो सब कवर हो जाती है विद अ वेरी वेरी लाइट फाउंडेशन. दिस इज़ अ वेरी लाइट फाउंडेशन, बट आप जब मतलब स्किन पे लगाते हो इट वर्क्स मैजिकली, लाइक इट इज़ अ मैजिक. सो आई विल रिकमेंड दिस फाउंडेशन, लाइक दिस टू फाउंडेशन ऑफ कोर्स, एंड यू कैन बाय इट विदाउट एनी वरीज बिकॉज इट्स लैक्मे प्रोडक्ट आफ्टर ऑल. ओके नेक्स्ट इज़ द पाउडर. मैं फेस मेकअप के हिसाब से जा रही हूँ, सो नेक्स्ट इज़ द पाउडर. आई रिकमेंड लाइक 1000/100 दिस वन. दिस इज़ द लैक्मेज 9 to 5 पाउडर, एंड दिस इज़ लाइक अ मैजिक, यू कैन टेल अ मैजिक. I really recommend to buy this powder you guys, because इतना अच्छा, मतलब अगर इस foundation के बाद ये powder या फिर कोई भी foundation के बाद ये powder लगाओगे, अगर lightweight foundation है आप ये powder हम of course use कर सकते हो, इतना खुद से ही एक कवरेज देता है ना. मतलब अगर आप यू नो फाउंडेशन, बीबी क्रीम अप्लाई भी नहीं करते हो, सिर्फ यही अप्लाई करके चले जाते हो, इट फिट्स कम्प्लीटली ऑन योर फेस लाइक द परफेक्ट फाउंडेशन एंड द कम्पैक्ट. बट यू कैन यूज़ इट लाइक सीधा ऑन योर मुंह, मतलब लोशन के बाद थोड़े से
You can use it, like, it's very good. Next, I'll be coming to the mascaras. These are both of my favorite mascaras. और एक है, but मेरे पास वो है ही नहीं. तो मैंने order करा है, अभी आ जाएगा कुछ दिनों में. But yeah, these are the two mascaras. मैं नाम भूल जाती हूँ, पता नहीं क्यों. First वाला है Walk Free का waterproof long lash mascara. दोनों ही non-branded है, but इतना अच्छा कवरेज देता है आपकी लैशेस को. मतलब ये इसकी जो आप देख सकते हैं, ये जो स्पूली है, दिस इज द स्पूली, एंड द स्पूली इज एक्चुअली यू नो काइंड ऑफ कर्ल्ड. सो ये आपकी लैशेस को बहुत बहुत अच्छा शेप देती है, एंड इट मेक्स अ लॉ लैशेस वेरी वेरी लॉन्ग. आई प्रोमिस दिस टू यू गाइज. ये आप खरीद सकते हो कोई भी नॉर्मल मार्केट में. अगर आप मुंबई दिल्ली कहाँ भी रहते हो, यू विल फाइंड दिस वन. आई प्रोमिस यू विल फाइंड दिस वन. सो नेक्स्ट इज माई मैक फॉल्स लैश इफेक्ट फुल लैशेस नेचुरल लुक वाटरप्रूफ मस्कारा. दैट वॉज अ वेरी बिग नेम. सो ये क्लेम करता है ये वाटर प्रूफ है, बट इट इज़ नॉट. आई एम लिटिल डिसअपॉइंटेड अबाउट दिस कि ये क्लेम करता है कि ये वाटर प्रूफ है, बट इट इज़ नॉट वाटर प्रूफ यू गाइज. बट this gives your lashes a voluminous look, like wow. I can't like ab agar aap ek maroge, dekhiye, can you see it? Like abhi to ye khatam hone wala hai, isliye thoda sa nahi nikal raha hai. So this both two mascaras are dope, you guys. You can buy this if you want in like a low price, and the branded bhi nahi chahiye aapko, to you can buy this. This are very low price. ये मेरे को मिला था एक दो pair के साथ, तो मैं आपको दिखा देती हूँ. liner के भी यही है. This is like the MAC liner. I've got this two एक साथ, and दोनों का मुझे पड़ा था 100, I guess 125-115 ऐसा करके पड़ा था. एंड आई बॉट इट फ्रॉम फ्लिपकार्ट. अगर हो सके तो आई विल गिव द लिंक डाउन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो आप चेक कर लीजिएगा ज़रूर से. बट दिस आर द टू मस्काराज. आई श्योरली रिकमेंड यू गाइज टू बाय इट. इट्स वेरी गुड. इट्स वेरी. नेक्स्ट विल कम टू द लाइनर, एंड इन द लाइनर पार्ट आई कांट रेजिस्ट दिस टू. लाइक इनका कोई कंपटीशन होता ही नहीं है भाई. लाइक लेट्स जस्ट गिव इट. ये है मैक का फॉल्स लैश इफेक्ट का मस्कारा, एंड सॉरी लाइनर. तो हियर इज़ द ब्रश. द ब्रश इज अ लिटल यू नो स्टिफ टू यूज. वाओ, इट्स वेल सो नाइस. पहली बार सुनने का मन किया. एनीवेज, सो दिस इज़ द लाइनर, एंड आई बॉट इट फॉर लाइक एज आई टोल्ड यू एक साथ आया था. तो आई गेस इट्स 100 का मुझे पड़ा था, 50 का होगा शायद से, आई डोंट नो. बट दैट इज़ अ वेरी वेरी गुड मस्कारा. मतलब एक स्ट्रिप में आपको इतना जेल ब्लैक मिलेगा, यू कैंट थिंक ऑफ इट. तो नेक्स्ट लाइनर जो है वो है मेरी लैकमे का इंस्टा आई लाइनर वाटर रेजिस्टेंट आई लाइनर. दिस इज़ एक्चुअली वाटर रेजिस्टेंट यू गाइज. मतलब ये पानी से, नॉर्मल पानी से धोने से नहीं जाता, आपको साबुन लगाना पड़ेगा फिर ये जाएगा. तो दिस इज़ लाइक द माई फेवरेट एंड गो टू लाइनर. आई ऑलवेज यूज़ दिस. आर बोथ ऑफ माई गो टू. मुझे जब भी कहीं की ज़रूरत होती है, मैं पहले ही इन दोनों को उठाती हूँ, बस लेके चली जाती हूँ. बिकॉज दिस गिव्स मी अ लाइक, मुझे इंसान से ज़्यादा मेकअप प्रोडक्ट्स पे ट्रस्ट इशूज़ ज़्यादा है. सो आई रियली रियली लव दिस प्रोडक्ट, एंड क्या यू कैन बाई इट. ये भी तो बहुत कम दाम का आता है, सिर्फ 50 का. मुझे, मैंने जब ख़रीदा था एक लोकल स्टोर से, मैंने ख़रीदा, मेरे को पड़ा 95. तो आई डोंट नो हाउ मच इट कॉस्ट, बट आई लिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो प्लीज़ चेक कर लेना प्लीज़. चलो अब हाईलाइटर पे आया जाता है. मेरे पास दो हाईलाइटर है अभी तो, लाइक सीरियसली सॉरी, तीन हाईलाइटर. तो मैं क्या करती हूँ, पहले अपनी आई शेडो दिखा देती हूँ. The both eyeshadows I recommend is this both too. The Jaclyn Hill, which is the dupe one, and this is the Hilary Doda. Guys, Hilary Doda का नाम तो बहुत जनों ने सुना है, but उनको शायद से ऐसे लगता है कि ये कम दाम का product है इसलिए अच्छा नहीं होगा, but that's not true. बहुत अच्छा चीज़ मिलता है आपको यहाँ से. एंड दिस इज़ लाइक द पैलेट लुक्स लाइक. दिस इज़ हाउ द पैलेट लुक्स लाइक. दिस आर माई फेवरेट हाईलाइटर्स फ्रॉम दिस पैलेट. लाइक मैं अभी आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ. हियर आई पिक इट अप, हियर इट इज़. देखो
such a wonderful thing it is. Like, I love this product. I love it and I love it. Next is, अगर आपको ये खुला, आप अगर इसको खुले, you have, you will see your like a very compartment. Shit, brush गिर गया एक. So here is the like lipstick brush. तो आपको मिलता है यहाँ पे like the eye shadows and there is like lipsticks, blush, contour, highlighter और sponge भी एक और eye shadow brush भी एक और lipstick brush मैंने तो आपको दिखाया ही. And these lipsticks are very beautiful, very very beautiful. और इनको ये कोई harm भी नहीं करती अपनी lips को. अगर आपको believe ना हो तो मैं अगर आपको एक करके दिखाती हूँ. Here is I picked up this shade right here from the brown shade. I love this brown shade, you guys. See? I'm using this brush जो कि कोई काम का नहीं है बिकॉज आई डोंट हैव द लिप ब्रश राइट नाउ. मतलब मेरी जो सजनी की रूम है वहाँ पे. तो दिस इज द पैलेट. आई ऑफकोर्स लाइक 100% मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी. एंड द नेक्स्ट पैलेट आई रिकमेंड श्योरली इज द जैकलिन हीट द मॉफी पैलेट. एंड हियर इट इज, स्मेल्स सो गुड. Here is the palette. You get like different shades of green, black, इसको क्या बोलते हैं मैं भूल गई, pink, purple, violet, every color you get here. So it's very सस्ता plus very very very, you know, compatible to use. Next we move to the contour, blush and highlight. So मैंने अभी तो दो highlight आपको दिखा दिए. Next is this. This is the Wet n Wild का highlighter in the shade of Blossom Glow E3195 19B. Here is the result. इसके बाद आप कुछ बोलोगे मुझे नहीं लगता क्योंकि ये सबका फेवरेट है. आई नो इट, लाइक ये सबका फेवरेट है. एंड ओके, पसीने आ रहे मुझको. सो दिस इज लाइक माई गो टू हाईलाइटर. वेन एवर आई गो समवेयर आई पिक दिस अप. ऑफकोर्स यू हैव टू. नेक्स्ट इज़ माई सिवाना का कलर्स ब्लश एंड कॉन्टूर कलेक्शन ग्लो. हियर इट इज़ द पैलेट. आपने मुझे पहले से ये यूज़ करते देखा है. एंड हियर इज़ लाइक द कॉन्टोर टू ब्लश एंड वन हाईलाइटर विच इज़ ओवर. तो हाईलाइटर के दौर पे मुझे ये भी बहुत पसंद आता था बट थोड़ा सा ये ना चिक वाला था कि आपको दिखे. एंड हियर इज़ लाइक द हाईलाइटर एंड आई एम गोना अप्लाई इट. ये थोड़ा सा गोल्ड साइड का है इसीलिए मुझे नहीं पसंद इतना बट बहुत अच्छी कवरेज देता था आपको. एंड या नेक्स्ट एंड द लास्ट प्रोडक्ट्स आर द लिपस्टिक. ये तीनों मेरे फेव है. फेव मतलब कहीं भी जाना हो आई जस्ट पिक दिस अप. और एक ब्राउन वाला भी मैं लेके आती हूँ. ये ब्राउन बर्गंडी कोई भी बोल सकते हो. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस फॉर लिपस्टिक. तो जो पहला वाला है ये है एल 18 का कलर पॉप स्मार्ट इन दी शेड लीज टैंगो P28. तो ये रहा शेड. ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल ऑरेंज शेड. मैं आपको स्वच करके दिखाती हूँ. रुको, ये है वन स्वच का और ये टू स्वचेस का. बहुत ही ब्यूटिफुल शेड है एंड इट्स लाइक वेरी वेरी ऑरेंजिश. ओके, सो नेक्स्ट शेड इज फ्रॉम द मेबलिन लिप ग्रेडेशन बाय कलर सेंसेशनल एंड दिस इज इन द शेड रेड 2. मैंने एक मॉफ का भी यूज़ किया हुआ था बहुत पहले तो दैट वाज आल्सो अ डोप कलर. एंड हियर इज लाइक द रेड, वेरी वेरी रेड कलर एंड आई लव दिस, लाइक लव दिस. एक स्वच में मैं ये एक स्वच यूज़ करूँगी क्योंकि ये मम्मी का मेरा दोनों का ही फेवरेट है. मम्मी जब भी बाहर जाती है ये यूज़ करती है एंड आई जस्ट यूज टू गेट जेलस लाइक एवरी डे. सो दिस इज द स्वच. इट लुक्स लाइक इट्स सो ब्यूटिफुल राइट नाउ. जब भी लगाने का मन हो गया थोड़ा सा. ओके, सो द नेक्स्ट इज द ब्राउन शेड एंड और द बर्गंडी. आई डोंट नो, यू गाइस टेल मी. इट्स लाइक ब्राउन काइंड ऑफ बर्गंडी और बर्गंडी काइंड ऑफ ब्राउन. इट्स सो गुड एंड माई एक्सप्लेनेशन इज वेरी गुड. सो हियर इट इज. इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल चॉकलेटी बर्गंडी कलर. आई गेस दिस इज नॉट बर्गंडी. आई डोंट नो, आई एम वेरी बैड एट कलर्स. लाइक मैं
नाउ यू विल गेट गुड अजम्पशंस दैट लड़कियों के कलर का पता नहीं. राम राम. तो दिस इज लाइक द शेड ऑफ ब्राउन एंड आई लव दिस बट आई डोंट यूजली वेयर दिस. दिस मेक्स मी फेस मेक्स माई फेस अ लिटल लुक लाइक लिटल ब्लैक बट मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती इसको. ब्लैक इज़ नॉट माई प्रॉब्लम गाइस, डोंट बी हिपोक्रिट्स. सो हियर आई लव दिस कलर, आई रियली लव दिस. था ना बहुत ब्यूटिफुल. आई लव लेदर्स. दिस एक्चुअली मेक्स मी लुक अ वेरी एजी गिविंग लुक. ये क्या हो रहा है मेरे फेस में. ओके एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस इज लाइक फ्रॉम द कंपनी कॉल्ड एवॉन एंड दिस वॉज गिफ्टेड बाय नॉट गिफ्टेड लाइक वी बॉट इट फ्रॉम माई फ्रेंड्स मदर एंड दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल लाइक वेरी 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 ब्यूटिफुल बिकॉज दिस इज द फर्स्ट प्रोडक्ट आई लाइक फ्रॉम एवॉन. नहीं तो मैं कुछ भी खरीदती नहीं हूँ. सो दिस इज इन द शेड, मुझे पढ़ने दो, इतनी छोटी छोटी से लिखे हैं ना. तो दिस इज कॉल्ड ट्रू कलर परफेक्टली मैट लिपस्टिक P404 कोरल फीवर एंड हियर इट इज. मैं स्वॉच करके दिखाऊंगी. हियर आई जस्ट स्वॉच. This is the color. Here it is. I mean, why? Yeah. That's it. Okay. Now I'm thinking of swatching, make you guys like, to show you guys the Hilary Rhoda lipstick swatches and मेरे को जो एक बार करने का मन आता है बस मैं वो ही करूँगी. You can't stop me, like, literally. You can't. So let's do it. Let's waste some more time of you and both me. So मैं पैली की शेड ले रही हूँ which is a like a very light pink shade. I never use this color, like why did I not? Very pink shade. Let's go. This is the one I used, okay? Next is this color, this orangish color. I'll just pick it up some and then ये नई ड्रेस है मेरी, अगर कुछ भी हुआ ना मम्मी मुझे मारी डालेगी. सो दिस इज लाइक द नेक्स्ट शेड एंड आई रियली डोंट लाइक इट. नेक्स्ट इज अ वेरी वेरी डीप पिंक शेड. आई विल गेट इट ऑन माई हैंड. दिस इज रियली ब्यूटिफुल. दिस इज आई हैव टू टेल इट. नेक्स्ट इज द बर्गंडी शेड आई शोड यू एंड वेयर ऑन माई वोर ऑन माई लिप्स. Next, okay. This kind of not burgundy. It's like mix of what can you tell it? I don't know. Next is a very very pretty red shade, and here it is. Okay, next we'll get another very very pretty red shade and pink, red and pink mix kind of. Then we'll get some violet. मुझे मेरा हाथ ही भर जाएगा. दिस इज़ द वायलेट शेड एंड हियर इज अगेन अ बर्गंडी शेड एंड आई लव दैट. मैं यहाँ पे लगा लूँगी थोड़ी सी. ओके गाइस, सो दैट्स इट फॉर माय वीडियो. एंड हाँ, अभी तक कलर नहीं उठा एज यू कैन सी. सो या, दैट वाज इट फॉर माय वीडियो. आई रियली 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 होप यू गाइस हैव लाइक दिस वीडियो एंड मैंने आपको हेल्प कर पाया. अगर आप कुछ रिकमेंडेशन ढूंढ रहे थे यू नो प्रोडक्ट के लिए, आई थिंक आई हैव हेल्प्ड यू. अगर मैंने किया हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. एज आई टोल्ड यू बिफोर, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं एंड रिप्लाई करने भी. एंड लाइक कीप लविंग मी, कीप सपोर्टिंग मी एंड लाइक कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल टू बी द मेम्बर ऑफ आर बीबीज फैमिली एंड विल मेक मीट ऑन आर नेक्स्ट वीडियो. बाय.